बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। साक्षी महाराज ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर दो बड़े बयान दे डाले। साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कभी अखिलेश राम भक्त होने का प्रदर्शन करते हैं तो कभी राम विरोधी होने का। वहीं सही रास्ते पर चल नहीं सकते, लेकिन उन्हें सही रास्ते पर ही चलना चाहिए, सही मार्ग ही कल्याणकारी होता है। जबकि किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन करने वाले किसानों को लेकर भी बड़ा बयान दिया। साक्षी महाराज ने कहा कि किसान तो खेतों में काम कर रहा है, प्रदर्शन करने वालों में कुछ भटके हुए किसान है, जबकि कुछ लोग किसान नहीं बल्कि बड़े व्यापारी हैं। साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, अखिलेश जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता उनके लिए, लेकिन उनकी स्थिति भी एक दिग्भ्रमित स्थिति है। अखिलेश जी कभी साधु महात्माओं के यहाँ जाते हैं, कभी राम भक्त होने का प्रदर्शन करते हैं तो कभी राम विरोधी होने का प्रदर्शन करते हैं, तो उनकी समझ में नहीं आता कि रास्ता कौन सा है। आपके चैनल के माध्यम से हम अखिलेश जी से विनर में आग्रह करेंगे कि रास्ता तय कर लें कि उन्हें राम के मार्ग पर चलना है या रावण के मार्ग पर चलना है। अखिलेश जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता उनके लिए, लेकिन उनकी स्थिति भी एक दिग्भ्रमित जैसी स्थिति है। कभी साधु महात्माओं के यहाँ जाते हैं, कभी वो राम भक्त होने का प्रदर्शन करते हैं, कभी राम विरोधी होने का प्रदर्शन करते हैं, तो उनकी समझ में नहीं आता कि रास्ता कौन सा है। आपके चैनल के माध्यम से हम अखिलेश जी से विनम्र आग्रह करेंगे कि रास्ता तय कर लें, राम के मार्ग पर चलना है कि रावण के मार्ग पर चलना है। रास्ता उन्हें तय करना है, हमने नहीं तय करना है, और उनके दिल में कहीं कहीं है कि हम सही रास्ते पर चलें, परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति, जाना में अधर्मम नचने में निवृत्ति, केना पे देवे न हृदय स्थितेना यथा नियुक्त तथा करोमी। वो जानते हैं सही क्या है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं कि सही रास्ते पर चल नहीं सकते। उन्हें चलना चाहिए, सही मार्ग ही कल्याणकारक होता है। साक्षी महाराज ने किसान बिल के विरोध में किए जा रहे किसानों के प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया। साक्षी महाराज ने कहा कि सही बात तो यह है कि किसान खेत में काम कर रहा है। अगर आपको किसान देखना है तो कल गंज मुरादाबाद में किसान सम्मेलन है, आप चलिए, मैं दिखाऊंगा आपको। किसान खेतों में काम कर रहा है और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें कुछ भटके हुए किसान है। सही बात तो यह है, किसान खेत में काम कर रहा है। अगर आपको किसान देखना है तो कल गंज मुरादाबाद में किसान सम्मेलन, आप चलिए, मैं दिखाऊंगा आपको। किसान खेतों में काम कर रहा है, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें कुछ भटके हुए किसान हैं, और कुछ लोग किसान नहीं हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, 500 बीघा के जोता, 1000 बीघा के जोता, उनके पेट में दर्द है। और सारे देश में आंदोलन केवल 2-3 जगह ही क्यों हो रहा है? पंजाब से लोग आ रहे हैं सिंधु बॉर्डर पर, हरियाणा के बॉर्डर पर आ रहे हैं राजस्थान से, क्योंकि दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है। तो ये किसान बिल का विरोध नहीं है, निशाना कहीं है, इरादे कुछ और हैं। ये CAA का दर्द है, NRC का दर्द है, 370 का दर्द है, और जो अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है उसका दर्द है। तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोच रही है, वरना किसान तो खेतों में काम कर रहा है। अखिलेश ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।